21वीं सदी में व्यक्ति को हंसता हुआ धर्म चाहिए। उदास, निराश, मरा मराया, मुरझाया जीवन पैदा करने वाला धर्म नहीं, हंसता नाचता गीत गाता हुआ धर्म मनुष्य को चाहिए। क्रिश्चियनिटी ही नहीं, महावीर और बुद्ध जैसे संबुद्ध लोग भी गहरे में इस लोक से ध्यान हटाकर परलोक यानी अगले जीवन को अच्छा बनाने की दिशा में सक्रिय रहे और वर्तमान जीवन को तपश्चर्या की आग में झोंक दिया। लेकिन भगवान कृष्ण वर्तमान जीवन को ही जीवन समझते हैं और वर्तमान जीवन को ही पूरे आनंद से जीने के पक्षधर हैं। अतीत काल के सारे धर्मों ने जीवन के दो हिस्से कर दिए। उन्होंने कहा कोई चीज शुभ है, दूसरी अशुभ है, कुछ चीज नैतिक है, कोई चीज अनैतिक है। इस तरह से उन्होंने शुभ अशुभ, नैतिक अनैतिक, सही गलत, इस तरह के विभाजन कर दिए। लेकिन भगवान कृष्ण का कहना है कि शुभ और अशुभ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, नैतिकता और अनैतिकता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, सही और गलत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उन्होंने कहा चीजों को तोड़कर नहीं देखना है। भगवान कृष्ण कहते हैं जीवन को बेशर्त संपूर्णता से जीना है, इसीलिए भगवान कृष्ण पूर्णावतार कहे जाते हैं। यानी पूर्णावतार का अर्थ है कि परमात्मा कृष्ण के रूप में पूरा पूरा पैदा हुआ है, पूरा पूरा पैदा होने का, पूरा पूरा प्रकट हुआ है। पूरा पूरा प्रकट होने का अर्थ है कि वो किसी सीमा में नहीं बनते, वो किसी मर्यादा में नहीं बनते। भगवान राम भी मर्यादा में बंधे हैं, ऐसा कर सकते हैं वैसा नहीं कर सकते हैं, इस तरह जी सकते हैं उस तरह नहीं जी सकते हैं, उनकी सीमा है। उनमें परमात्मा का एक ही डायमेंशन प्रकट हुआ है, इसलिए वो अपूर्ण है। लेकिन भगवान कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं, वो शुभ और अशुभ की सीमा से, नैतिकता और अनैतिकता की सीमा से पार खड़े हो जाते हैं। इसलिए हमने कहा कि वो पूर्णावतार हैं। अब आप कहेंगे कि ये कैसे संभव हो सकता है कि हम शुभ और अशुभ, नैतिक और अनैतिक, सही और गलत का निर्णय न करें। अभी ध्यान से सुनेंगे तो ये बात भी आपको स्पष्ट होती जाएगी। इस पृथ्वी पर जितने धर्म रहे हैं सभी धर्मों ने इस शरीर की उपेक्षा की और कहा कि शरीर ही सभी दुष्कर्मों का माध्यम है, कारण है, तो शरीर की उपेक्षा करें, शरीर को महत्व नहीं दिया। सबने आत्मा पर जोर दिया, आत्मा की महत्ता पर बल दिया। सभी धर्मों ने संसार की निंदा की कि संसार तो दुख का मूल है, दुखों का कारण है, अशांति का अड्डा है। और संसार की नहीं, सबको परलोक की चिंता पकड़ लेती है कि परलोक संभालना है। इस जीवन के बाद जो अगला जीवन हो, मृत्यु के बाद के जीवन पर सभी धर्मों ने दृष्टि डाली। लेकिन भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, ठीक उल्टा। भगवान कृष्ण कहते हैं शरीर के और संसार के सभी सुखों को जीना है। यह है भगवान कृष्ण का संदेश, शरीर के और संसार के सभी सुखों को जीना है और पूर्णता से जीना है। यह उनके जीवन का संदेश। आज के 5000 साल पहले यह संदेश देने वाला व्यक्ति अनूठा रहा होगा, तभी तो हमने उसे पूर्णावतार की संज्ञा दी। जितने धर्म इस पृथ्वी पर हुए हैं उनका एक ही उद्देश्य था कि आत्मा को, परमात्मा को पाना है। और आत्मा को, परमात्मा को पाने के लिए, आत्मा और परमात्मा के अनुभव को उपलब्ध करने के लिए उन्होंने कहा कि जो मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियां हैं उनका दमन करो, उनको दबा लो। सभी धर्मों ने कहा काम वासना बुरी है, उसको दबा लो। क्रोध बुरा है, उसका दमन करो। लोभ बुरा है, उसका दमन करो। आसक्ति बुरी है, उसका दमन करो। मोह बुरा है, उसका दमन करो।
इसका परिणाम क्या हुआ? जब व्यक्ति अपनी स्वाभाविक वृत्तियों का दमन करने लगता है, स्वाभाविक वृत्तियों का अर्थ है कि आप मूल रूप से कुछ वृत्तियों के अनिवार्य आयामों को अपनी जिंदगी से अलग नहीं कर सकते। जैसे आपको भूख लगती है, प्यास लगती है, स्वाभाविक वृत्ति है, ऐसे ही आपको काम वासना पकड़ती है, ये भी स्वाभाविक वृत्ति है। अब आपसे कहा जाए कि ये स्वाभाविक वृत्तियों को दबा लो, तो आप भय के मारे धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर दबाने की कोशिश करोगे, ऊपर से दबाओगे भीतर से छुपाओगे। जो काम दबाने के लिए कहा दिया जाएगा, दमन करने के लिए कहा दिया जाएगा, उसको आप छुप के करेंगे, और छुप के नहीं करेंगे तो ईमानदारी से दबाने की कोशिश करेंगे तो आपके भीतर एक अंतर द्वंद हो जाएगा, अंतर संघर्ष होगा, आप अपनी भीतर की शक्तियों से लड़ने लगेंगे और एक इनर कॉन्फ्लिक्ट, अंतर द्वंद ऐसा शुरू होगा कि आप भीतर अपनी शक्तियों के खिलाफ संघर्ष करेंगे और उस संघर्ष में आप उदास, निराश, मरे मराए मुरझाए, कुंठाग्रस्त और हीनता के भाव से ग्रस्त हो जाएंगे कि दबाने की कोशिश तो करता हूँ, काम वासना दबती नहीं, दबाने की कोशिश तो करता हूँ, क्रोध दबता नहीं, दबाने की तो कोशिश करता हूँ, आसक्ति और मोह जाते नहीं, तो आपके भीतर एक अपराध भाव भी बढ़ जाता है। भगवान कृष्ण आज के 5000 साल पहले इस बीमारी का कितना मनोवैज्ञानिक उपचार करते हैं आप अभी समझेंगे। इस समय तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर आप अपनी स्वाभाविक वृत्तियों का दमन करते हैं तो आप अपने भीतर की शक्तियों से लड़ने लगते हैं, एक अंतः संघर्ष, अंतर कलह पैदा होती है और आप इस जीवन को सुख से जीने में सक्षम नहीं हो पाते, समर्थ नहीं हो पाते। और दूसरा परिणाम क्या होता है? आप न आत्मा से परिचित हो पाते हैं, न परमात्मा से परिचित हो पाते हैं। जबकि ये अंतः संघर्ष किया था आपने आत्मा और परमात्मा का अनुभव पाने के लिए, लेकिन हजार हजार साल से आदमी इस तरह के अंतर संघर्ष में जी रहा है, आत्मा परमात्मा का अनुभव किसी को नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह अप्रोच, यह विज्ञान, यह आयाम गलत था, अवैज्ञानिक था, इसलिए इसके परिणाम सार्थक नहीं हुए, बल्कि मनुष्य अपने जीवन के सुखों से भी वंचित हुआ, इस जीवन को भी आनंद से जीने में असफल हो गया, और दूसरा परिणाम हुआ कि आत्मा और परमात्मा के गहन अनुभव को, परम आनंद के अनुभव को भी नहीं प्राप्त कर पाया। अब 19वीं और 20वीं सदी की तमाम सारी मनोवैज्ञानिक खोजों से, फ्रायड जैसे मन के वैज्ञानिक की खोजों से ये सिद्ध हो गया है कि ये स्वाभाविक वृत्तियों का दमन करने का प्रयास आत्मघाती होता है, ये मनुष्य के जीवन की सुख शांति को नष्ट कर देता है, इसलिए दमन करना उपाय नहीं है। जो 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने कहा, आज 20वीं और 21वीं सदी में मनोविज्ञान और मेडिकल साइंस दोनों ही एक स्वर से भगवान कृष्ण के गीता में दिए गए विज्ञान को स्वीकार करने को विवश हो गए हैं, और सही सारे धर्मों ने जो दमनवादी सिद्धांत पैदा किए वे अव्यर्थ के सिद्ध हो चुके हैं। कृष्ण पूरी तरह जीवन की स्वाभाविक वृत्तियों के दमन के विरोध में है, वह प्रेम की वृत्ति का दमन नहीं करते, वो प्रेम करने से भागते नहीं है। रास रंग की स्वाभाविक वृत्ति आपके भीतर है, भगवान कृष्ण रास रंग से भी दूर भागते नहीं,